श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती आज। स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर 125 रुपए का सिक्का जारी करेंगे पीएम मोदी। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं प्रशांत किशोर, एक धड़ा पीके के कांग्रेस में आने के खिलाफ कपिल सिब्बल के घर हुई अहम बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की त्रयोदशी आज, सीएम योगी और कई अन्य नेता कार्यक्रम में होंगे शामिल, 1,00,000 लोगों को खिलाया जाएगा खाना। पंजाब में खत्म नहीं हुआ कांग्रेस का घमासान, सिद्धू से मुलाकात में हरीश रावत ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग की खारिज, आज कैप्टन से मुलाकात। यूपी चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत, जनाक्रोश और जनक्रांति यात्रा के बाद समाजवादी पार्टी की जनादेश यात्रा आज से शुरू। गोवा चुनाव के लिए केजरीवाल की राह पर बीजेपी, सीएम प्रमोद सावंत का ऐलान, लोगों को मुफ्त में पानी देने वाला देश का पहला राज्य होगा गोवा। ओडिशा में विधानसभा का मानसून सेशन आज से, नवीन पटनायक ने विधायक दल के साथ की बैठक, विपक्ष से मांगा सहयोग। उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी बीजेपी की मुश्किल, किसान नेता योगेंद्र यादव पहुंचेंगे मुजफ्फरनगर, बड़ी किसान पंचायत को करेंगे संबोधित। दिल्ली NCR में बदला मौसम, सुबह 6 बजे से जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच, ओवल टेस्ट में प्लेइंग 11 से बाहर रहेंगे जेम्स एंडरसन, कोच सिल्वरवुड ने दिया बदलाव का संकेत। अफगानिस्तान पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा वहां से सेना वापस बुलाना सबसे अच्छा फैसला था। काबुल के हालात पर UNO के महासचिव ने की अपील, अफगानियों के लिए ये सबसे कठिन घड़ी, मदद करे सभी देश। अमेरिका के जाने के बाद आज से बदल जाएंगे अफगानिस्तान और काबुल एयरपोर्ट के हालात, तालिबान दे चुका है अल्टीमेटम। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी का बयान, अफगानिस्तान को अकेला छोड़ा तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। रूस ने दी दुनिया को चेतावनी, फैल सकती है वेस्ट नाइल वायरस बीमारी, बारिश के मौसम में वायरस के फैलने की आशंका। OTT प्लेटफॉर्म के लिए आज से जेब करनी होगी ढीली, डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन होगा महंगा, ग्राहकों को चुकाने होंगे 500 रुपए। यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने आज से बढ़ाई 6 जोड़ी ट्रेनों की ट्रिप, त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने किया ऐलान। आज से आधार, PF, LPG, GST से जुड़े बदल रहे हैं कई नियम, जनता की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। बैंक आज से शुरू करेगा डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, ग्राहकों को दरवाजे पर सिक्के पहुंचाएगा बैंक, बिजनेस ट्रांजैक्शन की भी मिलेगी सुविधा। चीन को तगड़ा झटका, दुनिया भर में घटने लगी चाइनीज प्रोडक्ट्स की मांग, अगस्त में पड़ी निर्यात की मांग कमजोर।